दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस हाईकमान दिल्ली में मंथन कर रही है। इस बाबत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस हाईकमान जल्द निर्णय लेगी। वहीं हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के प्रश्न पर रामलाल ठाकुर ने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी पार्टी हाईकमान के निर्देश पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी हाईकमान के जो भी निर्देश होंगे उनकी पालना की जाएगी। देखो, इसको आप अलग अलग से नहीं ले सकते। इसको आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और ने अपने टिकट डिक्लेयर कर दिए, शायद पूरे 100% नहीं करें। 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 2 के डिक्लेयर तो कर दिए, हमीरपुर और एक जो उनकी शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ की डिक्लेरेशन होगी, लेकिन 2 विधानसभाओं की पार्लियामेंट की जो डिक्लेरेशन है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं करी है। और ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं करी है, सिर्फ क्योंकि प्रतिभा सिंह जी हमारी मंडी से जो है वो सिटिंग MP है, स्वाभाविक है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। बाकी 3 हलकों के बारे में अभी जो है वो जो हमारे स्थानीय जो स्टेट के लीडर्स हैं वो, और फिर दिल्ली में हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ से जब तक कैंडिडेट क्लियर नहीं होंगे तब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो इसलिए बिल्कुल सही है कि अभी जो है वो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करी। तैयारियां किस तरह की है सर कांग्रेस की, क्योंकि उपचुनाव भी है कहीं ना कहीं, जिस तरह से 6 बागी अब विधायक हुए हैं, अब कांग्रेस को दिक्कत मानते हैं क्योंकि कैंडिडेट भी आपके पास नहीं है, विधायक भी आपके चले गए हैं, तो ऐसे में कितना टफ मान रहे हैं सब उपचुनाव भी? इसको जो तो है अलग अलग से लेना पड़ेगा आपको। ये जो अभी 6 विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनका एक्सपेल्शन हुई है विधानसभा सदस्यता से, उनका केस अलग है और पार्लियामेंट के चुनाव अलग है। ये ठीक है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो अनाउंसमेंट करी है 1 जून को हिमाचल प्रदेश के पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होंगे और साथ में जो बाई इलेक्शन हैं उनके बारे में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंसमेंट करी है, पर अभी क्लियरली हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी जुडिशरी स्क्रूटनी में भी केस फंसा हुआ है। अगर देखा जाए तो 6 मई का शायद ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से क्लियर जो है वो फैसला नहीं आ जाता तब तक ये नहीं बोला जा सकता कि बाई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में नहीं बोला जा सकता। जो थोड़ा जो है वो कानून के बारे में जिन जिनको ज्ञान है वो यही बोलेंगे कि जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में इकट्ठा इलेक्शन होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा कि समय के मुताबिक क्या फैसला होता है। ये तो सबको पता है कि मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा है, पर मैं इतना आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने जब भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा मैंने कभी भी पार्लियामेंट का इलेक्शन के लिए टिकट की नहीं अप्लाई किया। जो मुझे पहले वीरभद्र सिंह जी कहते थे आपने इलेक्शन लड़ना, तो हमने इलेक्शन लड़ा। जब पिछली बार हाईकमांड ने कहा तो मैं दिल्ली में भी नहीं था, मैं अपने गांव में था, लेकिन मुझे कहा गया कि आपने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, तो मैंने तुरंत कहा क्योंकि राहुल जी के वहाँ से टेलीफोन था और मैंने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन अभी के जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं मैंने पहले भी कहा, अब फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो पार्लियामेंट के चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की घोषणा है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, पार्टी हाईकमांड करती है, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं पार्टी के दिल्ली में उनके द्वारा जो है वो पत्र दिया जाता है, और तब तक जब तक ये नहीं हो जाता उसमें हमारे जो सीनियर लोग हैं वो दिल्ली में है, मुख्यमंत्री है, एडिशनल चीफ मिनिस्टर है, पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो और लोग हैं मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी हैं वो दिल्ली में है, और हो सकता है चर्चा हो रही होगी
मैं तो यहाँ पे शिमला में इसलिए आ गया और मैं आपके चक्कर में फंस गया, इसलिए फंस गया क्योंकि आज मेरा इलेक्शन पटिशन का जो केस है वो लगा है और उसमें एक एप्लीकेशन है, उस पर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। तो उस सिलसिले में मैं शिमला में आया था। मैं यहाँ पीसीसी में आया तो पहले एक साथी आया, बाद में सारे साथी आ गए। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्पॉन्टेनियस आपका यहाँ पे आना जो है, ये कोई प्लान में नहीं है। आप शायद सेक्रेटेरिएट से भी मिले हैं, क्योंकि सारे नेता हिमाचल प्रदेश में नहीं हैं। तो आपके पास भी टाइम है तो इसलिए आपने सोचा, रामलाल ठाकुर शिमला में है तो मेरे से बात कर लें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो वो अलग बात है, वो जब क्रॉस द ब्रिज जो एंड द टाइम कम। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।